लोग ट्रैवल करते हो ना, एक तो पहली चीज मेक श्योर करो अपनी चीजें अपने से दूर मत रखना। 75,000 INR फाइन था टू गेट माई बैग। क्या हुआ एयरपोर्ट? ठीक है चलो एयरपोर्ट की पूरी कहानी बताता हूँ। आप लोग बताए हमारे जो मॉडरेटर और पुराने मेंबर है वो है नोबल दास, वो यहीं पे रहते हैं पिछले 8 से 9 साल से, वो लोकल है। उनका उनका यहाँ की फ्रेंच नेशनलिटी है उनके पास, तो वो मेरे को पिक करना है। हम लोग गए, हमने काफ़ी टाइम, बहुत लंबा ट्रैवल था, तो मैंने सभी चलो कॉफ़ी भी पी लेते हैं। कॉफ़ी पिया और टॉयलेट ले गए। टॉयलेट टॉयलेट आदमी एक सिंपल सी बात है, आदमी जाएगा मुंह क्या आएगा कितने रहेगा, 5 मिनट मैक्सिमम 6 मिनट पकड़ो। जब मैं आता वापस, मेरा साइड बैग जिसके अंदर मेरा वॉलेट, पासपोर्ट, मेरे 2 फोन, सब कुछ। शॉप मैंने पता क्या किया, सिक्योरिटी को बुला के दे दिया। हम अगर पूछे कि कहाँ गया, तो शॉपकीपर बोलती है कि, शॉपकीपर अफ्रीकन थी, तो वो बोलती है कि सिक्योरिटी तो ले गया। तो हम लोग चलो ठीक है नॉर्मल है, सिक्योरिटी ले गया, तो हम जाके सिक्योरिटी से मांगते हैं। अभी हम लोग गए सिक्योरिटी से मांगने, तो सिक्योरिटी से हमने मांगा, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे तो बैग आया नहीं है। ऐसे करते करते हम लोग, पहले 1 घंटा लग गया हर सिक्योरिटी पे गए, हर जगह लगेज लॉस्ट एंड फाउंड हर जगह, करते करते 1 घंटा लग गया हर एक जगह पे जाके। फिर उसके बाद वहाँ जाके मेरे को बोलते हैं कि जो लॉस्ट एंड फाउंड है ये तो बंद है, सीधा मंडे को मिलेगा आपको। अब अगर पासपोर्ट होता तो मैं चले भी जाता, बट पासपोर्ट था ना, जब मैं एयरपोर्ट से निकल नहीं सकता बाहर, बाहर भाई चेक नहीं कर सकता ना होटल वोटल में। तो हम लोग वापस गए, मैडम को बोले कि भाई हमें तो नहीं मिल रहा है, आप कर दो हेल्प। तो मैडम बोली नहीं हम कैसे हेल्प करें, हम तो हेल्प कर ही नहीं सकते, वो सिक्योरिटी लेके गया है। तो फॉर्चुनेटली हमारे नोबल दास भाई ऑलरेडी एयरपोर्ट पे बहुत हाई लेवल पे काम कर चुके हैं, तो उनके पास एक बैच आता, कुछ एक टर्म है, तो बैच था उनके पास। तो उन्होंने जाके दिखाया और मेरे को पहले बोला कि तू मत आ, मैं अकेले जाके बात करता हूँ, क्योंकि फ्रेंच लोकल है ना, तो लोकल का बात करने का तरीका अलग रहता है। तो बात किए और बात किया, ऐसा जो ऑफिसर ने ऐसा बोला कि भाई हमें कॉल करके ऐसा बोला गया कि टूरिस्ट ने बैग 1 घंटे पहले छोड़ के चला गया है, और रूल के हिसाब से आप 4 घंटे तक बैग को टच नहीं कर सकते, 4 घंटे के बाद आपको पुलिस को या फिर सिक्योरिटी को बुला के बोलना है कि भाई टूरिस्ट का बैग है। तो मैडम ना पहले ही बुला लिया कि 5 मिनट में भिजवा दिया बैग। तो नोबल भाई को दिखा नहीं था बैग, फिर थोड़ी देर बाद और हाँ सीनियर ऑफिसर आया, फिर वहाँ पर बैग मिला। तो नोबल भाई बोले कि भाई बैग तो चाहिए, अब बताओ क्या सीन है। तो फाइन पता कितना बोला, 75,000, 75,000 INR फाइन था टू गेट माई बैग। वो बोला कि भाई किस बेसिस पे, तो सीनियर ऑफिसर को पता ही नहीं कि भाई 5 मिनट में सीन हुआ है। सीनियर ऑफिसर बोला कि, फिर सीनियर ऑफिसर ने अलग से बुलाया, बोला कि इसने स्कैन किया, ये जो बुड्ढी है ये तो रेसिस्ट है, इसको इंडियंस नहीं पसंद है, और इसने कुछ कांड किया है, तो इसने जानबूझ के जल्दी जल्दी भिजवा दिया घर के कॉल करके। और ऑफिसर की भी गलती नहीं है, उसको कॉल आया भाई 1 घंटे से बैग पड़ा है, तो ऑफिसर ले गया, और बैग में कुछ भी हो सकता है। तो भाई ये सीन था कि जस्ट बिकॉज उसको इंडियन नहीं पसंद है उसने ये हरकतें करी। मेरा मैंने बोला भाई ये क्या बच्चों दिए हुए, हमने ये भी देख लिया इसका। हम लोग मेट्रो में आ रहे थे इधर, तो यहाँ पे कुछ दो ऐसा स्टेशन है जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हूलीगैंस वाला एरिया है, मतलब एकदम ही चाकू वाला सीन है। तो हम लोग बैठे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैं अपना व्लॉग बना रहा था। तो जो व्लॉग बना रहा था मैं, वो व्लॉग बनाते बनाते बगल में एक कोई हस्बैंड वाइफ थे, एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, लोकल्स, तो लोकल थे, तो लोकल बैठे हुए थे हस्बैंड वाइफ। तो कपल्स, कपल्स ने बोला फ्रेंच में से बोला कि तुम्हें पता नहीं आगे कौन सा स्टेशन आ रहा है, कैमरा में डालो बैग में। तो नोबल भाई ने बोला कि जल्दी जल्दी से कुछ डाल दो अंदर, क्योंकि यहाँ ये ऐसा जगह है जहाँ पे आके आपको सीधा गन पॉइंट करके सामान मांग सकते हैं। जैसे तो वहाँ के लोकल्स जो मेट्रो में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सामान बैग में तुरंत डाल दो, नहीं तो आपके सिर पर से बंदूक या चाकू रख के सीधा बोलेंगे भाई सामान दो, कैमरा दो, फोन दो, आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब भाई ये सब चीज़ें तो मूवी में दिखते थे, तो नॉन बोले अलग चीज़ है भाई, लोकल रैंडम लोकल अगर आपको वॉर्न कर रहा है, मतलब भाई अलग ही सीन है। बोलते यहाँ पे मारा पीटी नहीं होता भाई, सीधा वेपन्स निकालते हैं, सीधा बोलते हैं, कतई मिर्जापुर बन रखा भाई यहाँ पे। तो मैं वही बोलूंगा गाइस, अगर आप लोग ट्रैवल करते हो ना, एक तो पहली चीज मेक श्योर करो अपनी चीजें अपने से दूर मत रखना। आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे आपको नहीं आइडिया।